इतना अमीर बन चुका हूँ भाई, इतना बिलीनियर बन चुका हूँ कि क्योंकि यूट्यूब ने ना मुझे बहुत पैसा दिया है, लिटरली बहुत पैसा दिया है। सो हेलो जी, की हाल चाल सारे नु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप शायद आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे होंगे? अच्छे होंगे। एनीवेज भाई लोगों, मैं और साहिबा जा रहे हैं अभी एक छोटी सी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग तो क्या कहें इसको, जेली दिलवानी है। क्या हो गया मम्पचू? जेली। और क्या लेना है? बस जेली लेनी है, बस जेली लेनी है भाई। छोटी सी ख्वाहिश है बच्ची की, और क्या ही जाएगी। एनीवेज भाई लोगों, अपनी जो फॉर्च्यूनर है ना यार, उसका थोड़ा सा मेरे को अलाइनमेंट करवाना है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही है। अगर हाईवे में आपको दिखाऊंगा ना, तो इतनी सी लेफ्ट राइट में रख के स्टीयरिंग, तब जाके सीधी चलती है। और साथ ही साथ मेरी गाड़ी चल चुकी है भाई। सो गाइस, गाड़ी मेरी चल चुकी है 18,315 SSL, जैसा अभी मैंने बताया। तो बस छोटी मोटी सर्विसेज होनी है और आपको लेके चलने वाले हैं बहुत जल्दी एक लॉन्ग ट्रिप पर। जी हाँ गाइस, एक फुल एडवेंचरस लॉन्ग ट्रिप होने वाला है। बस डेट का थोड़ा कंफर्मेशन नहीं दे सकता, इतना बता देता हूँ। दो व्हीकल जा रहे हैं, एक मेरी फॉर्च्यूनर और एक थार 4x4 प्रतीक भाई की। तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती जुनूनियत के साथ जा रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूँ, ये आपसे वक्त का प्रॉमिस है। एनीवेज भाई लोगों, मैं और गुड्डा अभी छोटी सी शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग में क्या है, ये मैडम की जेली है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये एलिफेंट बिली की जेली। खानी है खूब? पहले मामू को पारी करूँगा और सबको पारी कर दो, ऐसे फ्लाइंग किस कर दो सबको, उधर सबको। चलो जी, अब इसको जेली खिला दो। एनीवेज भाई लोगों, हम लोग चल रहे हैं गाड़ी का अलाइनमेंट करवाने, व्हील बैलेंसिंग करवाने और छोटे मोटे काम हो रहे। सो गाइस, फाइनली अभी हमारी जो लोकेशन है वो आ चुकी है यहाँ पर, ये आपको दिख रही होगी। पास में जाके दिखाता हूँ, अमन मोटर्स के नाम से भाई। यहाँ पर अपनी गाड़ी करवाने वाले अलाइनमेंट बैलेंसिंग, और पीछे वाले में जो वाइब्रेशन है वो क्यों है, तो यहाँ अपन करवाने वाले। इनका भाई बोर्ड वोर्ड तो फट गया है, बट यहाँ देख लो आप, अमन ऑटोमोबाइल्स काफ़ी अच्छी तरीके से भाई बैलेंसिंग वगैरह करते हैं। बाकी देखो काम हो जाए तब है सारा। भाई किसी यूट्यूबर का कहा है कि जिस जिस भाई ने भी, यूट्यूबर ने फॉर्च्यूनर ली है, उसके पास कुछ ना कुछ अच्छी गाड़ी ही आई है। और लिटरली अब तो खैर मुझे भी अपने ऊपर विश्वास होने लगा है गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि YouTube ने ना मुझे बहुत पैसा दिया है, लिटरली बहुत पैसा दिया है। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, इतना अमीर बन चुका हूँ भाई, इतना बिलीनियर बन चुका हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत खुशी हो रही है भाई आज, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बस आज खुशी के आंसू ही नहीं निकल रहे हैं। आपको दिखाता हूँ भाई, आज अपने जो अकाउंट में बैलेंस है ना, शायद आज से पहले कभी नहीं था, और भगवान करे कभी हो भी ना। क्योंकि ये देखो भाई, ज़िंदगी झंड सी हो गई है, 30 रुपये 40 पैसे रखे हुए हैं, इतना मेरी गाड़ी ने सेव किया है। ये देखो भाई 27 रुपीज़, बिलीनियर बन चुके हैं भाई। ऐसा बिलीनियर किस चीज़ का भाई, इसने नंगा करके रख दिया भाई मुझे, नंगा इस फॉर्च्यूनर ने। हे भगवान, क्या करें, कुछ कह नहीं सकता भाई। इतना पैसा है ना मेरे अकाउंट में कभी नहीं था शायद, और मैं चाहता हूँ कि बना रहे ऐसे ही, मेरे पास पैसा आता ही रहे। आज 30 रुपये सेव तो हो ही गए। हे भगवान, कभी ये दिन ना किसी को भी ना दिखाएं, लिटरली बता रहा हूँ। इस YouTube के लिए मैं जितना खर्चा कर चुका हूँ ना, शायद ही बहुत यूट्यूबर्स ने किया है, बट बेस जिसका स्टार्टअप जिसने किया होता है ना, मैंने बहुत किया है, बट फिर भी आप लोग मुझे प्यार नहीं देते गाइस। आज ये दिन देखना पड़ रहा है सिर्फ आप लोगों की वजह से। सो गाइस, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी वीडियोज़ देखा करो, प्लीज़ सपोर्ट करो भाई। थोड़ा बहुत हमारा भी मन करता है भाई इससे भी ऊपर जाने का, और आप लोगों का भी मन करता होगा फॉर्च्यूनर पे आने का, फॉर्च्यूनर से भी ऊपर जाने का। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी यार, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डालता हूँ सारा कुछ, और इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस तभी आ पाएंगे जब आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे। एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपके गाड़ी व्यूज़ अच्छे जा रहे हैं, कॉमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, रीच अच्छी जा रही है व्लॉग्स की, तभी जाके यार एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो जी अब किया जाए। अभी क्या है ना, आप लोगों की रीच मुझे मिल नहीं रही है, अब मेरा दिमाग ना मतलब दो जगह रहता है, बिजनेस करूं यूट्यूब चलाऊं। सो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। पहले ही बोल के गया था कि भैया गाड़ी मेरी लगेगी, फिर भी आपने भी नहीं मानी है ना। अरे मानी क्या मैंने किया, 5 मिनट तो और ऊपर होगा। 5 मिनट नहीं, मैं आपको इतनी देर कह गया था, इतनी देर में मैं वापस आ गया।
चलो कोई बात नहीं। एनीवेज भाई लोगों अपनी गाड़ी का नंबर आ चुका है लगने का, दो मिनट का समय भी नहीं रोका गया कि जिससे पहले भाई की गाड़ी कर दूं पहले। भाई गाड़ी तो रोक रहा थी। हाँ तो गाइस चलो एक सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही दिया, थैंक यू डब्बू भैया सब्सक्राइब करने के लिए। सारी वीडियोस देख लेना नहीं लड़ाई हो जाएगी फिर। एनीवेज भाई लोगों यहाँ काम चालू हो चुका है अलाइनमेंट के लिए, ये सारे सेंसर्स लगा दिए हैं। किस तरीके से अलाइनमेंट किया जाता है भाई ये देख लो, गाड़ी को हाथों से ढकेल रहे हैं आगे पीछे न्यूट्रल करके, और गाड़ी अंदर से चिकाटे मार रही है। हाँ आप क्या करोगे, बैलेंसिंग अलाइनमेंट करेंगे, अलाइनमेंट करोगे आप। इधर लग रही है भाई सोनेट, वो सॉरी सेल्टोस, अभी ब्रीजा उतरी है उसके बाद ही मेरी गाड़ी का नंबर आया। अगर मैं एक सेकंड भी लेट हो जाता ना तो बाहर वो अगर आपको I-20 दिख रही हो तो वो लगने ही वाली थी, बस आके मैंने टाइम से बचा ही लिया। कौन सा वाला आउट है, फ्रंट वाले, फ्रंट वाले। सो गाइस अपने को तो पता नहीं है, जैसा भाई ने बोला अपने को इसमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा। भैया ने बोला है दोनों आगे वाले जो फ्रंट वाले हैं वो दोनों आउट है अलाइनमेंट से, अपने को पता नहीं, भाई ने जैसा बोला अपन ने आपको बता दिया है, क्योंकि इनका डेली का काम है यार, इनको पता ही रहता है कहाँ कौन सा आउट है कौन सा आउट नहीं है। पीछे में भी अलाइनमेंट होता है? नहीं, रियर में अलाइनमेंट नहीं होता, रियर वाली जेटा में होता है बस। जेटा में होता है, एसयूवी में होता है, अच्छा इंडिगो में होता है, इसमें नहीं होता। कुछ गाड़ियां हैं भाई जिसमें रियर अलाइनमेंट भी होता है, बट अपनी वाली में सिर्फ फ्रंट वाली का होता है, जेटा में रियर और बोथ दोनों का होता है। एनीवेज लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो जो पीछे वाला एलॉय व्हील है भाई वो स्पीति वाले एक्सीडेंट में ख़राब हो गया था, तो अपन ने उसको फ्रंट से लेके पीछे कर दिया है। अब उसमें यार चेक करवाना पड़ेगा, गाड़ी है ना पूरी वाइब्रेट करती है, इसके चक्कर में इसका एलॉय व्हील जो है भाई ये ख़राब है। इतना पैसा नहीं है कि इसको चेंज करवाएं, 30,000 रुपये का एलॉय व्हील, और अभी आपको अकाउंट में बैलेंस दिखाया मात्र 30 रुपये। अगर कोई कंपनी वाला 30 रुपये पे दे दे तो भाई दे दे, अपने पास पैसा तो नहीं है। जस्ट जोकिंग भाई, क्या कर रहे हैं भाई, टाइट अभी खोल रहे हैं, अभी खोल रहे हैं उसके बाद टाइट किया जाएगा। इसको बैलेंसिंग रॉड, इसको टॉय रॉड बोलते हैं, टॉरो, टॉय रॉड, टॉय रॉड भाई, खिलौने वाली स्टीयरिंग वाली रॉड होती है ये, स्टीयरिंग रॉड है ये, ढीला करने के बाद इसको मिलाया जाएगा। ओके भाई लास्ट वाला जो दिख रहा है वो हाँ हाँ ग्रीन पे आने लगा है, अब समझ आ गया, ये मिल गया, हो गया अलाइनमेंट। Yeah. बस इतनी सी वो है, इतनी देर लगती है। और इसके 750 रुपये सेट, नाइस। मेन तो मशीनों का कमाल है, उसी चीज का पैसा लिया जाता है। भाई लोगों आपको यहाँ पर एक रबड़ दिख रही होगी, ये है रोगर रबड़, ये ना भाई लिटरली बता रहा हूँ बहुत हार्ड हो जाती है रबड़, जिससे ना शॉकर को अब्सॉर्ब कम करती है, शॉकर्स पे लोड कम पड़ता है, और ऑफ रोडिंग में यार बहुत फ़ायदा देती है। देखो भाई चारों रबर्स लगवाई हुई हैं इसको ना यार, मतलब आपको अगर बाय कर रहे हैं तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी रोगर रब की साइट पे, चारों का पेयर 4400 के अराउंड आएगा। इससे लिटरली भाई गाड़ी की स्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, पहले से काफ़ी अच्छी हुई है। अगर इसको आप नॉर्मल वे में चलाओगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ये बॉडी रोल बहुत होता था, अभी के लिए बहुत अच्छा हो चुका है इसका बॉडी रोल। यहाँ की स्पीड देख रहे हो भाई अमन ऑटोमोबाइल की, एक टायर चाहिए मतलब पंचर चेक हो रहा है, दूसरे टायर का अलाइन वो बैलेंसिंग हो रही है, एक अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, मतलब कितनी ज़बरदस्त कितनी जल्दी जल्दी तरीके से काम हो रहा है। इसलिए मुझे भाई मैं प्रेफर करूँगा अमन ऑटोमोबाइल भरतपुर में एक बार ज़रूर से आना भाई, बहुत जल्दी स्पीड में काम करते हो, काम में ना कभी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। बैठ के है भैया, अरे भैया जाके और भाई नई तरीके की पंचर किट देख लो, ये इस बस ये कैप्सूल लग जाएगा अंदर, कैप्सूल नहीं लगेगा, इसको खोलने के बाद इसमें एक पेच निकलेगा, ये पेच निकला है इसमें, ये पेच कसा जाएगा, ये पेच कसा जाएगा जिससे हवा बंद हो जाएगी पंचर लॉक। भाई जनरेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, डब्बू भैया कहाँ से लाते हैं ऐसी जुगाड़े, लगा लगा ये 100 रुपये का है, ये 100 रुपये का है, इससे क्या है कि इससे छेद नहीं करना पड़ता इसके लिए, अच्छा उससे टायर खराब नहीं होता। ओके तो ये सीधा कस देंगे अपन इसको, पेच कर टायर के साथ घिस जाएगा। ओके ठीक है भाई, ये जुगाड़ थोड़ी अच्छी लगी मुझे, अब ले लो 100 रुपये, मेरे पास सारी, अब ले लो 100 रुपये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पर उस टाइम भैया अगर ये पागल बना रहे थे वो गलत चीज थी यार। हाँ भैया कुछ बचा नहीं आपके भैया, पहले बाकी सादा वाले पंचर कह रहे 50-100 रुपये, मैंने क्यों एक्स्ट्रा नाइट्रोजन भर के दे रहे होगा उसमें। भाई ये देखो कस रहे हैं अभी तो, दम लगा के आयशा
टायरों में से ओरिजिनल हवा तो निकाल दी है, अब अपन डाल रहे हैं नाइट्रोजन। 33 एयर प्रेशर रखा है और यहाँ ये N2 है, ये N2 अलग पता नहीं क्या क्या कर रखा है इन्होंने, बट वहाँ पे जो डल रहा है भाई अपनी नाइट्रोजन डल रही है। चलिए भाई, अपनी गाड़ी का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, अब गाड़ी अपनी उतर रही है नीचे की तरफ। अपन जा रहे हैं बिल भरने के लिए और वहाँ आ चुकी जीप कंपास। लगती है ना भाई अपनी गाड़ी कलर। जो बिल आया है वो आया है भाई 440 रुपीज़, और 30 रुपये जेब में रखे हैं, 1400-2 रुपये की उधारी कर दी। जस्ट जोकिंग भाई, यहाँ है ये अमन मोटर्स, काफ़ी अच्छी लिटरली सर्विस की है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और बिल भी नाम मात्र का आया। अगर और कहीं करवाओगे ना भाई कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये का बिल आएगा, थैंक्स टू अमन मोटर्स। बाकी गाड़ी चलाने के बाद ही पता लगेगा। बड़े भैया जो यहाँ के मैकेनिक हैं वो चेक करने गए हुए हैं कि अभी कोई हिला डुली तो नहीं कर रही है। पचपन लाख रुपये मेरे पुरानी लग रही है। पूरे दिन ना धूप मट्टी, पूरे दिन में, पूरे दिन धूल मिट्टी में खड़ी रहती है, एक बार चमक जाएगी ढंग से शाइन आ जाएगी। हाँ भैया, आपकी गाड़ी में कमी लगी? फुल ओके, पक्की बात? पक्की, कमी नहीं आनी चाहिए, चला के देखना है। ठीक है, बिल भर दिया अंदर, बाद में ही मत कहना साहिल भैया उधारी कर गए। ठीक है टब्बू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, तो हेलो जी, अभी आ चुके हैं वापस घर पर, और ये वाला ब्लॉग जो है मैं एंड करने वाला हूँ। ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, साइनिंग ऑफ वेंडर साहिल।